आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस स्टैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के लिए मैं अपने वेबसाइट globalhostpro.com का यूज करूंगी। आप यहाँ पर आपके लोकल होस्ट को यूज आउट कर सकते हो। बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि आप PHP की फाइल्स को किस तरीके से कंपाइल आउट करते हो। हम जब भी PHP की फाइल्स को कंपाइल आउट करते हैं उसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पर लिस्ट करा सकते हैं। बेसिकली आपको HTML एंड CSS के थ्रू वेबसाइट्स बनाना सीखना चाहिए, उन पे वर्किंग करनी चाहिए और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर आउट होना जरूरी है अगर आप PHP पे वर्किंग करना चाहते हो। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो क्वेरीज भी लास्ट आया है वो PHP से रिलेटेड ही आया है। तो मेरे पास भी जो क्वेरीज आया था वो PHP से रिलेटेड आया था। अगर आपने उसकी वीडियो चेकआउट नहीं करी तो आप उसकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। एनीवे सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि मैं तो यूज करूंगी अपनी जो मेरी होस्टिंग की वेबसाइट है उसको इस टास्क को करने के लिए। आपने अगर लोकल होस्ट यूज करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आपने सबसे पहले जहां पर भी आपके पास आपका लोकल होस्ट है, नॉर्मली ये सी ड्राइव के अंदर होता है, एक्सिम के अंदर, HT डॉक्स के अंदर जाके आपने जो भी अपनी वेबसाइट क्रिएट की है उसके फोल्डर को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने वेबसाइट क्रिएट की थी लोकल होस्ट के ऊपर Mahek 94, ठीक है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, अप्रोक्सीमेटली डिजिस्किल के बैच 7 समथिंग में कुछ मैंने ये क्रिएट आउट की थी। जब सोल्यूशन प्रोवाइड आउट करना बिल्कुल स्टार्टअप किए थे तो तब से ही ये वेबसाइट जो है वो कंपाइल आउट हुई हुई है। यहाँ पर फिर मैंने अपनी जो मेरी अपनी वेबसाइट है articlebase.pk जिसका लुकअप आपने चेकआउट करा हुआ है उसको बाय आउट कर लिया था, तो कभी इस पर दोबारा वर्किंग कंपाइल नहीं करी। एनीवेज बैक टू द टॉपिक आते हैं। PHP की एक फाइल क्रिएट करनी है, उसके लिए अगर लोकल होस्ट यूज करें तो HT डॉक्स में जो भी आपका यहाँ पर वेबसाइट होगा उसका फोल्डर इस तरीके से ओपन अप करना है। ओपन अप करने के बाद राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके न्यू वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम रख दो demo.php। यहाँ तक आपने कौन सी वर्किंग करनी है, अगर आप यहाँ पर लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तो आपने यहाँ तक अपनी एक्सरसाइज को कंपाइल करना है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो ये हमारा जो यहाँ पर HT डॉक्स है ये बेसिकली सी पैनल होता है लोकल होस्ट का, लेकिन क्योंकि तुम लोग ये कोर्स कर रहे हो तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर इस वेबसाइट का जो मेरी वेबसाइट है इसका डैशबोर्ड ओपन अप कर लिया है। मैंने यहाँ पर वेबसाइट ओपन है, यहाँ से मैंने अपने सी पैनल को ओपन अप कर रखा है। तो हम जो होस्टिंग यहाँ पर यूज करते हैं, बेसिकली ये बच्ची यहाँ पर जो होस्टिंग यूज कर रही है वो सेम वही होस्टिंग है जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल आउट कर रही हूँ। ऑब्वियसली हम इसका बहुत अच्छा अमाउंट पे करते हैं तो हमारे पास काफी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस होस्टिंग के अंदर से सबसे पहले लुकअप दिखा दूं कि जब आप अपनी पेड होस्टिंग लेते हो ना वर्डप्रेस पे तो इस तरीके का लुकअप आता है, चाहे आप गोडैडी से लो चाहे आप होस्टिंगर से लो, आपका सी पैनल इस तरीके से अवेलेबल होता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल मैनेजर का। फाइल मैनेजर के ऑप्शन को आपने ओपन अप करना है अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है वो अपनी होस्टिंग पे काम कर रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर बता रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, अगर होस्टिंग पे वर्क कर रहे हो यहाँ से आपने पब्लिक HTML को ओपन अप करना है। पब्लिक HTML बेसिकली हमारे पास HT डॉक्स होता है। यहाँ पर हमारे पास वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो आपके लोकल होस्ट के HT डॉक्स में अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसके लिए यहाँ से फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका नाम रख देंगे demo.php। आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। आपकी जब वहां पर फाइल क्रिएट आउट हो जाएगी तो आपने वहां पर भी स्क्रीनशॉट लेना है और इस स्क्रीनशॉट को सबमिट कराना है अपनी MS Word की फाइल के अंदर आपके टास्क में। जो आपका सबसे पहला टास्क है उसके अंदर आपने सबमिट करा देना है। लोकल होस्ट में इस तरीके से यहाँ पे demo.php पे आपके पास कंपाइलेशन होगी ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको सबमिट करा देना MS Word की फाइल के अंदर। जो भी आपकी MS Word की फाइल होगी उसके अंदर आपने सबमिट कर वहां देना है। तो देखो मैंने अपनी होस्टिंग का भी सबमिट करा दिया, लोकल होस्ट का भी तुम्हें बता दिया कि तुमने ऐसे सबमिट कराना है। अब मैं लोकल होस्ट को जरा डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है हमारे पास यहाँ पर अपने PHP से रिलेटेड आइटम्स की लिस्ट को कंपाइल करना। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने अपनी होस्टिंग पे demo.php की फाइल बनाई है इसको मैं क्रिएट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे देखो ये आ गई demo.php की फाइल। राइट क्लिक करूंगी एंड राइट क्लिक करके मैं इसको एडिट कर दूंगी। ये मुझसे पूछेगा यहाँ पे कि इसको एडिट करने की, ऑब्वियसली मैंने बोला है कि जो भी काम मेरी होस्टिंग पे हो उसको दो मरतबा कन्फर्म करो मुझसे कि ये काम करना है या नहीं करना। तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर देखो मेरा जो यहाँ पर एडिटेबल ऑप्शन है वो ओपन अप होकर आ गया। यहाँ से मेरे पास PHP सिलेक्टेड है क्योंकि
मुझे कोड किसमें लिखना है, पीएचपी में। मैं किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखना चाहूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपने वेबसाइट के थ्रू कोड लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर पीएचपी में कोड लिखूंगी एंड मैंने 24px के ऊपर इसमें वर्किंग की है। अब आपने क्या करना है, लोकल होस्ट पे ये जो डेमो डॉट पीएचपी पे थे हम, इसको डबल क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। इस तरीके से आपके पास नोट पैड ओपन अप हो जाएगा। दोनों बातें समझ आ गई, लोकल होस्ट वाले अपने नोट पैड को ओपन अप करेंगे, होस्टिंग वाले अपनी होस्टिंग को ओपन अप करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक कोड टाइप करना है जो कि कुछ इस तरीके से है, पीएचपी से रिलेटेड। सबसे पहले पीएचपी डिफाइन है, देन हमने यहाँ पे आइटम्स को डिफाइन किया है, अपने एरेस को डिफाइन किया है। एरे का मतलब होता है लाइन बेसिकली। पेन, नोटबुक, फोन केसेस, ग्लासेस, वॉलेट, कार्ड्स, ये यहाँ पर मेरे पास 5 आइटम्स है जिनको लिस्ट वाइज डिस्प्ले कराना है। देन यहाँ पे फॉर की कमांड का यूज किया गया है, जिसमें डॉलर आइटम को मैंने बताया है 0 के अकॉर्डिंगली, और फिर डॉलर आइटम को दोबारा काउंटिंग के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर जस्टिफाई किया है। इको की कमांड्स में आइटम्स बताए हैं, और अगेन अपने आइटम्स के लिए जो सैंपल यूज किया है वो डॉलर आई का सैंपल यूज किया है। बीआर की कमांड हम यूज करते हैं इसे लाइन बाय लाइन कंपाइल करने के लिए, यानी कि अभी जिस तरीके से पेन, नोटबुक, फोन केस, क्लास, वॉलेट, कार एक लाइन में लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, तो बीआर की कमांड के थ्रू ये सब एक दूसरे के नीचे लिखे हुए नजर आएंगे। तो ये वो कोड है जो कि आपने टाइप करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इस कोड पर टाइप आउट कीजिए। मैं आसान काम करूंगी ऑब्वियसली अपने लिए। यहाँ से इस कोड को राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके जो मेरी demo.php की फाइल थी इस पे मैंने इस तरीके से लोकल होस्ट के ऊपर जब कंपाइल किया इसको कंपाइलेशन कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। सेम ही प्रोसेस अपनी होस्टिंग पे रिपीट करूंगी, यहाँ पर होस्टिंग में जाकर इसको पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से इसका लुकअप आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें कलरफुल करके एमएस वर्ड पे इसीलिए दिखाया था कि तुम्हें पता चल जाए कि कंपाइलेशन किस तरीके से करनी है। अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सबमिट कराइए अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, ताकि ये कंपाइलेशन हमारे पास कम्प्लीट हो जाए। तो कोड को डिलीट करते हैं एंड इसको सिंपल सबमिट करा देते हैं। अब इसका रिजल्ट चेक करेंगे, यहाँ पर इसे क्लोज कर दीजिए। रिजल्ट चेक करना दोनों केसेस में बहुत आसान है। सबसे पहले मैं अपनी होस्टिंग पे से इसको सेव करती हूँ, ताकि जो मेरे demo.php की फाइल है ये सेव हो जाए। तो सक्सेसफुली मेरी फाइल सेव हो गई। अब सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट पे आएंगे और अपने वेबसाइट को यहाँ से एक बार रिफ्रेश करेंगे। अगर आप लोकल होस्ट पे काम करो तब भी अपनी वेबसाइट को ओपन करो और उस पर एक बार रिफ्रेश लाजमी करो। रिफ्रेश करने से क्या होगा कि demo.php की जो फाइल होगी वो कंपाइल्ड हो जाएगी हमारे पास। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आप चाहे लोकल होस्ट यूज कर रहे हो, आप चाहे आपकी पेड होस्टिंग यूज कर रहे हो, उसके आगे आपने सैश देना है। सैश देके आपने यहाँ पर लिखना है demo.php। क्या चीज टाइप करोगे, अपनी वेबसाइट जो कि लोकल होस्ट पे हो या फिर होस्टिंग पे हो, उसके आगे हैश लगाकर एक्चुअली बैक स्लैश लगाकर demo.php को यूज करोगे और एंटर करोगे। जैसे मैं एंटर करूंगी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा। आप तुम्हें दिख रहा नहीं है तो जूम करके दिखाती हूँ। इस तरीके से देखो, पेन, नोटबुक, फोन केस, ग्लास, वॉलेट और कार यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले हो गए। तो ये तुम्हारी फाइनल एक्सरसाइज थी। तुमने इसका यहाँ पर जो है वो स्क्रीन शॉट लेना है और इसको सबमिट करा देना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारी जो एक्सरसाइज होगी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। वर्डप्रेस नॉर्मली काफी आसान होती है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें तुम्हें सिखाते नहीं है। तो ऑब्वियसली तुम अगर उन सब चीजों को सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुमने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन से वर्डप्रेस की जो सीरीज यहाँ पर एसईएन वर्डप्रेस के नाम से अवेलेबल है उसको लाजमी चेकआउट करना है। कोई भी एक्सरसाइज मिस की इस बैच की, सबके सोल्यूशन अपलोड है मेरे चैनल पर, मेक श्योर करो इसे लाजमी चेकआउट करो। अगले बैच की एनरोलमेंट इंशाल्लाह 2 तारीख से हो रही है, तो अगर अब तक तुमने जो है वो एनरोलमेंट के लिए कोर्सेज को सोच रखा है तो कमेंट सेक्शन में लास्टली बताओ कि तुम कौन से कोर्सेज नेक्स्ट बैच में करने वाले हो। मेरे चैनल से लास्टली वर्डप्रेस एंड एसईओ की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलो, इन डिटेल और प्रैक्टिकली तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई गई है सी पैनल। वीडियो में लास्ट में लिंक आउट कर रही हूँ, चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।